गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एस ए कंसेप्ट विद परिंदा। गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं, जो डी टू डी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर आप में से कोई, जो आप लोग देख रहे हैं, जो अगर आप थर्ड सेम के या डी टू डी के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद थर्ड सेम स्टूडेंट्स, बिकॉज डी टू डी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाया है कि ऑनलाइन एनरोलमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, आपका ऑलरेडी जीटीयू का ऑफिशियल सर्कुलर आया है कि डी टू डी स्टूडेंट्स जो है उनको अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट करना है और उसके बाद ही उनके एग्जामिनेशन के डिटेल्स आएंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट पे पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि आप लोगों को ऑनलाइन एनरोलमेंट कैसे करना है उसका आपको स्टेप्स नहीं पता, आपको उसके स्टेप का भी वीडियो चाहिए। तो गाइज, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आई नो ये प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल नया है। तो ऑनलाइन आप लोगों को कैसे एनरोल करना है सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिकॉज जैसे आपको पता है अभी तक आपका चालू नहीं हुआ है, बट 5-6 दिन का ही टाइम है, उसके अंदर आपको एनरोलमेंट, अपना साइन, फोटो अपलोड करना, फीस पे करना ऑनलाइन, सब कुछ आपको वो 5-6 दिन के अंदर ही करना है। तो ये वीडियो को आप अभी देख लीजिए ताकि आपको पहले से आइडिया आ जाए, या फिर तब जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तब भी आप इस वीडियो को लेके बैठिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बिना कोई प्रॉब्लम का आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले तो आपने जो भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है वो लोग आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। और एक बार आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर आपके कॉलेज के तरफ से आपको मेल आएगा इस तरह से, कोई जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डियर, आपका नाम लिखा होगा, यू आर सक्सेसफुली एडमिटेड टू दिस कॉलेज अंडर जीटीयू, प्लीज़ लॉग इन एंड पे योर एनरोलमेंट फी बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो इस तरह का आपको भी देखिए ऊपर जैसे दिखाया हुआ है gtu_enrollment@gtu.edu.in। तो इस तरह से GTU एनरोलमेंट का आपको भी मेल आएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, सब आप चेक कर लेना कि सही से लिखा है या नहीं। तो आपका और कॉलेज का नाम लिखा होगा, उसके अलावा इधर एक लिंक दिया होगा और उसके साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ यहाँ पे दी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो लिंक दिया है ना, देखिए लिखा है दैट प्लीज़ लॉग इन एंड पे योर एनरोलमेंट फी बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो ये जो लिखा है उसके नीचे जो लिंक दिया है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ये फॉर्म वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप टेंशन मत लेना, आप मोबाइल से भी भर सकते हो और आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है उससे भी भर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास पीसी, लैपटॉप कुछ नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप मोबाइल में भी इस लिंक को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे इस तरह का लॉगिन पेज खुल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपको मांगेगा वो लॉगिन और पासवर्ड। तो यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, इधर जो आपको मेल आया है आपके मेल में जो यूज़र आईडी इज़, ठीक है, यूज़र आईडी इज़ करके जो यूज़र आईडी लिखा है वो आपको यहाँ पे लॉगिन में डालना है, पहले वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे, और ऊपर लिखा है आपके मेल में योर पासवर्ड इज़, तो वहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड के अंदर डालना है, ठीक है। तो लॉगिन और पासवर्ड दोनों डाल के आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका साइन इन हो जाएगा, और अगर आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी आपने सही से देख के सही से डाला है तो उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। ये डैशबोर्ड में देखिए इस तरह से आपको कुछ दिखेगा जहाँ पे GTU गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लिखा होगा, फिर यहाँ पे आपका प्रोग्राम, मतलब आप जो भी कर रहे हो BE मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर, IT, जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया होगा आपका प्रोग्राम दिखेगा, कॉलेज का नाम दिखेगा, आपका जेंडर, DOB, मोबाइल, ईमेल, ये इस तरह के जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे जो पहले से आपने आपके कॉलेज में भरा हुआ होगा वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखना चाहिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्क्रीन इज़ टू एंटर पर्सनल डिटेल्स एंड इम्पोर्टेड वैल्यूज विल कम ऑटो फेच फ्रॉम सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, आपको सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा, फिर इस साइड आप देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लिखा है, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे तीन डैश आपको दिख रहा होगा, राइट, वो आपका मेन्यू आइकन है, तीन डैश जो आपको दिख रहा है ना साइन आउट के बाजू में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये चार ऑप्शंस दिखेंगे,
डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, फीस, अप्लाई एंड अपलोड, ये चार आपको ऑप्शन दिखेंगे। डैशबोर्ड में आप पहले से हैं, डैशबोर्ड में क्लिक करने पर आपको ये वाली चीज़ें दिखेगी। और अगर ये जो मेन्यू है डैशबोर्ड के बाद जो माई प्रोफाइल लिखा है, माई प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस तरह का एक पेज दिखेगा, ठीक है। माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करना। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इधर सारा पर्सनल डिटेल्स वो आपसे मांगेगा कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वो आपको मांगेगा। तो आप पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करके ये जो भी चीज़ें आपको मांग रहा है वो सब कुछ आपको फिलअप कर देना है सही सही से, ठीक है। वो सब फिलअप करने के बाद इधर नीचे राइट साइड में आपको दिख रहा है सेव है, ये सब कुछ कंप्लीट करके, सब कुछ फिलअप करके आपको सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से, इस तरह से देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी आर्या संजय कुमार का डिटेल्स दिया है वहाँ पे आपको आपके सारे डिटेल्स भर देने हैं और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे यहाँ पे एड्रेस और वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी, आपको आपका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सबका डिटेल्स डालना है, राइट। फिर आपको अल्टीमेटली ये सारा डिटेल्स डाल के, पेरेंट के डिटेल्स है आपका डिटेल्स आ जाएगा वहाँ पे, एड्रेस का डिटेल्स आ जाएगा, आपके पेरेंट्स का डिटेल्स आ जाएगा। और वो सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। गाइज ये जो फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जो डेटा डालोगे वही आपके एनरोलमेंट में और एग्ज़ाम फॉर्म में भी यूज़ होगा। तो सारा डेटा आप सही से डालना, डालने के बाद आप एक बार वापस चेक कर लेना कि कोई कहीं कोई गलती तो नहीं है। और पूरा भरने के बाद यहाँ पे जो सेव आपको दिख रहा है सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ऐसा एक पॉपअप आपको दिखेगा जहाँ पे लिखा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये आपको दिख जाए मतलब आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका डेटा सही से सेव हो गया है। फिर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली के नीचे जो ओके है आपको वो ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप वापस ये तीन वाले डॉट पे क्लिक करिए तो देखिए डैशबोर्ड आपको सबसे पहले दिखा था, फिर उसके नीचे है माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल में आपने कर दिया। अब आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन पे, जहाँ पे लिखा है अप्लाई एंड अपलोड, ठीक है। आपको अप्लाई एंड अपलोड पे क्लिक करना है यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उस पे। जैसे ही आप अप्लाई एंड अपलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन देगा, अपलोड स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अप्लाई एंड अपलोड उसके अंदर आपको मेन देखिए मेन जो दो तीन चीज़ें अपलोड करनी है वो है आपका फोटोग्राफ, आपका खुद का फ़ोटो। इसमें भी ट्राई करना कि आपका कोई अगर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो उसको आप फ़ोटो खींच के आपके मोबाइल या लैपटॉप में ले लेना और फिर वो अपलोड करना, बिकॉज़ ऐसी चीज़ों के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बिल्कुल सही रहता है, बिकॉज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में अच्छे से आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना है, आपको आपका लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर होगा वो अपलोड करना है, ठीक है। तो जो जो भी चीज़ें मांगी है यहाँ पे दो चार, वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है और फिर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिख जाएगा सेव पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे सेव बटन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरह से डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, और वो दिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सेव हो गए, ठीक है। डेटा पूरा अच्छे से सेव हो जाएगा। और हाँ, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक बार ये ऑप्शन आपको आ जाए कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका सारा डेटा अच्छे से सेव हो गया और एक बार आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वापस आप अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम क्लियर फोटोग्राफ खींचना है आपको और अच्छे से अपलोड करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना रह जाए, बिकॉज सेकेंड टाइम आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है वंस द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड एडिटिंग इज नॉट परमिटेड, तो वापस एडिट करने नहीं देगा, तो आपको एक ही बार में अच्छे से भरना है। अब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट आपको करना है फी पेमेंट। तो अगेन ये जो बर्गर मेन्यू है आपका तीन डैश है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे देखिए फीस का ऑप्शन है, फीस के अंदर फी पेमेंट, तो आपको फी पेमेंट पे क्लिक करना है। फी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप जैसे ही फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपको आपका नाम, आपका एकेडमिक ईयर, प्रोग्राम सब कुछ दिख जाएगा और उसके साथ आपका फ़ी डिटेल्स भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कितने रुपीस पे करना है वहाँ पे आपको दिख जाएगा,
उस हिसाब से आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के पहले देखिए यहाँ पे, बिफोर मेकिंग एनरोलमेंट पेमेंट स्टूडेंट हैज़ टू अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो, इफ नॉट अपलोडेड देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन पे ऑनलाइन बटन वैलिडेशन मैसेज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन, प्लीज़ अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, आप उसी स्टेप वाइज करना। आप पहले देखिए, अगेन मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, आप पहले अपने डिटेल्स डालेंगे, फिर आप आपके एड्रेस का डिटेल्स डालेंगे, फिर आप आपके पेरेंट्स का डिटेल्स डालेंगे, फिर आप आपका साइन, फोटोग्राफ, LC, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और फिर ही लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना है। अगर ये सब करने के पहले आप फ़ी पेमेंट करने जाए तो वो आपको फीस पेमेंट करने नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप वाइज आपको सब कुछ करना है, फिर ही आप फ़ी पेमेंट पे क्लिक करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अगर आपने पहले वो सारे डिटेल्स भर दिए हैं, फिर आप फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू भरना है, डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग, या UPI। तो जो भी आप यूज़ करते हो, जनरली ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल आप सब लोग करते ही होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो जो भी नॉर्मल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो भी यूज़ करते हैं, UPI या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी करते हैं, आपको यहाँ से भी वही चीज़ सिलेक्ट कर देनी है। फिर नॉर्मल पेमेंट में जैसा रहता है उसी तरह से आपको आपका, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से कर रहे हैं, तो आपको आपका कार्ड नंबर, आपका कार्ड होल्डर का नेम, CVV, एक्सपायर, कार्ड एक्सपायरी डेट, वो सारी चीज़ें डाल देनी है यहाँ पे, और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अगर जो भी आपने डिटेल्स डाला वो सब कुछ अगर वैलिड होगा, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको, जैसे आपको पता है नॉर्मल एक OTP आता है, वो सारा डिटेल्स अगर सही हो तो आपका पेमेंट के पहले आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में, वो OTP आपको जो भी आपका 1-time पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड डाल देना है, और वो डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे OTP, एंटर OTP लिखा है, वहाँ पे आपको इस तरह से आपका जो भी OTP आएगा 5 या 6 डिजिट का होता है, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, और OTP डालने के बाद नीचे सबमिट बटन है, वो सबमिट पे आप क्लिक कर देना, और अगर सारा डिटेल्स, OTP सब कुछ सही है, तो आपका यहाँ पे फ़ी पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। और यहाँ पे फ़ी पेमेंट 1 rupees का ही है, मतलब कोई हाई फाई ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना, बट ये एक टोकन टाइप है, तो बस 1 rupee ही आपको पे करना है, तो 1 rupee यहाँ से आपका जो भी आपने कार्ड डिटेल्स डाला होगा वहाँ से वो 1 rupee कट जाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। इस तरह का आपको पेज दिखेगा, और यहाँ पे नीचे जो प्रिंट रिसिप्ट है आपको वो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो प्रिंट रिसिप्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए एक्चुअली वो क्या है कि एक प्रूफ है कि आपका वो 1 rupee कट हो गया है, तो इस तरह से आपका फ़ी पेमेंट आ जाएगा। ये आपको सेव करके रख देना है आपके मोबाइल में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लैपटॉप में कहीं पे सेव करके डाउनलोड करके रख दीजिए, ये आपको कर लेना है। फिर इस तरह से एनरोलमेंट कन्फर्मेशन, अगर आपका एनरोलमेंट सही से हो गया, ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर विल बी जनरेटेड विच इज़ नाउ स्टूडेंट्स लॉगिन ID एंड एनरोलमेंट कन्फर्मेशन ईमेल विल गो टू द स्टूडेंट। तो अगर आपका पेमेंट, सारा डिटेल, सब कुछ आपका एनरोलमेंट सही से हो गया हो, तो आपने जो भी ईमेल ID डाला है वहाँ पे इस तरह का आपको जो दिख रहा है, इस तरह का आपको एक एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट कन्फर्मेशन का मेल आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपका सब कुछ यहाँ पे दिया होगा, और आपको आपका नया यूज़र ID और पासवर्ड भी मिल जाएगा, जो आपका एनरोलमेंट ID ही होगा। तो ये जो एनरोलमेंट ID है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे ही आपके एग्ज़ाम में भी नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपको मेल आ जाएगा, और ये मेल आने के बाद आप वापस आपके, अगर पेमेंट हिस्ट्री आपको जानना है तो ये जो बर्गर मेन्यू है यहाँ से वापस आप पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको इस तरह से आपका अगर पेमेंट हो गया होगा तो यहाँ से आपको पेमेंट हिस्ट्री भी दिख जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में आफ्टर अपलोडिंग प्रोफाइल फ़ोटो एंड एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स, दोज डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड इन डैशबोर्ड। तो अब क्या होगा, आपका पेमेंट रिसिप्ट आप देख लेंगे, वो आपका अगर सही से हो जाए तो वापस आप डैशबोर्ड में क्लिक करना, तो डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका फ़ोटो और सारी डिटेल्स दिख जाएगी। तो एक बार आपको डैशबोर्ड में आपकी ये सारी डिटेल्स अच्छे से दिख जाए और आपका पेमेंट हो जाए और एनरोलमेंट का कन्फर्मेशन मेल भी आ जाए, उसका मतलब आपका पूरा काम ख़त्म हो गया है और आप सक्सेसफुली एनरोल हो गए हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, एनरोलमेंट ID आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका आगे एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रोसीजर होगा वो फिर कॉलेज की तरफ से किया जाएगा।
ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। सारा डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में दे ही दिया है, इस PDF में अच्छे से। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म सबमिट करने में। आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं D2D के, सारे स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये सब के बाद भी अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।